पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने ईडी के दूसरे समन पर भी पेश होने से मना कर दिया है, जिसके बाद ईडी ने नीरव मोदी को तीसरा समन जारी कर 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। पीएम मोदी और कनाडाई पीएम के बीच कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा भी होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी का कहना है कि उनकी संविधान बचाओ न्याय यात्रा से घबराकर राज्य सरकार उनकी हत्या करने की साजिश रच रही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई लिस्ट में भारत को चीन और भूटान से भी नीचे रखा गया है, यानी इन देशों की तुलना में भारत ज्यादा भ्रष्ट है।